भाइयों ने दाने कितने आ केड़े दाने सारा दिन आज हमने ये रंगी किया है तो मैं ट्यूबवेल से नहा के बाहर निकला हूं। अभी देख ले आसन भाई नहा रहे हैं। ये ले ऊंची जगह पे पौड़ी लगा ली है सीढ़ी। कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो जैसा कि आपको पता है कि बारिशें हो गई थी जिसकी वजह से हमारा जो फार्म था सारा ख़राब हो चुका था कलर वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हमने काम स्टार्ट कर दिया है। ये देखें इस कैज का जो किनारा है ना उसके ऊपर हमने ये पनेरा बनाना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर भी ताज़ी मिट्टी लगा दी है इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखें आप, देखें अभी हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत वीआईपी। अपने हाथों से ही कर रहे हैं आज? जी जी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आज सुबह से मैं काम ही कर रहा हूँ अपने फार्म के अंदर क्योंकि जो बारिशें हुई थी उनकी वजह से मिट्टी जो थी सारी ख़राब हो चुकी थी। तो आज दोबारा मैंने मिट्टी लगाई है, दोबारा सेटमेंट कर रहा हूँ फार्म को। ये देखें ये इस दीवार को मिट्टी लगाई है ताज़ी अभी अभी और ये इन खुडों के ऊपर ये बनेरे बनाए हैं मिट्टी से। ये सामने अभी ताज़ा मिट्टी लगी हुई है। जो पहले हमने रंग वगैरह किए थे वो बारिशों की वजह से ख़राब हो चुके थे। ये पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी ख़राब हुए पड़े हैं, तो इन्हें दोबारा दुरुस्त करेंगे और दोबारा फिर से रंगीन बनाएंगे। तो अभी हसन भाई जो हैं वो चूना बना रहे हैं। ये देखें पहले इस कमरे को करेंगे रंग। ये मिट्टी का बना हुआ है तो इसके ऊपर रंग करेंगे ना इसकी ज़्यादा खूबसूरती ना वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी। स्टार्ट कर दिया, चेक कर अभी चेक किया जा रहा है कि रंग ठीक है या ख़राब हो चुका है। अगर ठीक है तो करेंगे वरना नया लेके आएंगे। और ठीक लग रहा है मुझे तो, ठीक है ना? ठीक है। उधर ट्राई करके देखें सामने, इतनी जगह पे होता उतर रहे हैं उतनी पे कर देते हैं। हाँ इतना है ना, ज़रा ये एक खाने पे कर दे पहले। यहाँ पे पहले रंग जो है ना वो थोड़ा है, वो सिर्फ इतनी जगह के लिए यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले सफाई कर ली है यहाँ पे दीवारों के ऊपर, मिट्टी वगैरह उतार लेंगे ताकि अच्छी तरह से रंग हो जाए। चलें स्टार्ट करें। टोटल कर देंगे इस बार जी, सारा कर देना इस बार। हाँ सारा कर देंगे इस बार। तो दोस्तों पहले हमने ये पट्टियाँ बनाई थी सिर्फ, देखें आप। तो इस बार जो कलर करना है हमने सारा कर देना है, सफ़ेद ही कर देना पूरे को। बाद में देखेंगे कि डिज़ाइन बनाने हैं इसके ऊपर कि नहीं बनाने, फ़िलहाल इसे सफ़ेद कर देंगे सारे कमरे को। चूज़े हमारे अभी देखें दाना पानी खा रहे हैं और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह आजकल। तो यहाँ पे मैंने पौड़ी भी लगा दी है क्योंकि ऊपर वाला रह गया था, वो भी अभी कर लेंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा चूना बच चुका है। तो दोस्तों आज दोपहर को जो हमने रंग किया था ना सामने वाले कमरे को, ये देखें आप, ये अभी इस तरह की इसकी लुक निकला है माशाल्लाह, सफ़ेद सफ़ेद हो चुका है अभी। तो ये वाली ऊपर वाली जगह रह चुकी थी। वाह माशाल्लाह मुर्गी ने अंडा भी दिया हुआ, वो सामने ये वो सामने अंडा पड़ा हुआ है। तो मुर्गियाँ हमारी माशाल्लाह सही सलामत हैं अभी। चूज़े भी माशाल्लाह एक्टिव हैं। हाँ अभी सही सलामत हो ना। ये इधर हमारी बकरियाँ खा रही हैं अपना चारा, तो इनके आगे छापी वगैरह डाली हुई है। ये देखें बकरियाँ जो ना ये अच्छी तरह से जो लकड़ी है ना साफ़ कर देती हैं। तो दोस्तों आज मैं अपने फार्म के अंदर आया हूँ, शाम का टाइम है, तो मुझे एक बहुत ही गुड न्यूज़ देखने को मिली है। माशाल्लाह से हमारी जो बकरी थी ना वो सोने वाली थी, आज उसने दिया एक सोना सा क्यूट सा बच्चा। ये देखें ब्लैक कलर का बच्चा है और इसकी मामा जो है ये सफ़ेद और ब्लैक कलर की है। अभी इसे पिलाएंगे दूध। दूध पीना दूधू, आ जा दूध पिला, आ जा शहजादे, आ जा आ जा आ जा मामा, पीला पीला दूध पीला। मेरे ख्याल से इसने दूध पिया हुआ है, नहीं पीना, पीला पीला दूध पीला। तो दोस्तों मेरे ख्याल से हमारे जो बच्चे ने ना ये दूध पिया हुआ है इसलिए अभी दोबारा दूध नहीं पी रहा। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपना वाइट कलर जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। इनके किनारों के ऊपर ना और दरवाजे और जो ये जो विंडो बने हुए हैं इनके इर्द गिर्द ब्लू कलर की और पिंक कलर की पट्टियाँ लगा देंगे ताकि ब्यूटीफुल लगने लग जाए। साइड से भी आप देख सकते हैं कैजेस के ऊपर जो कच्ची दीवार थी उसके ऊपर भी मैंने वाइट कलर लगा दिया है। तो ये तो आपको पता ही है सारा मिट्टी का बना हुआ कच्चा है, ये सारी दीवारें भी कच्ची हैं, सिर्फ इस सेटअप के अंदर ये कैजेस की दीवारें पक्की हैं, बाकी सब कुछ कच्चा ही बनाया हुआ है हमने। ठीक है जी,
और ये दरवाज़ा भी आप देखें कि पुराना है, लकड़ी का पड़ा हुआ था, वही हमने लगा दिया, नया बनाया नहीं है इसलिए कि वो फिर मॉडर्न सा हो जाता है, मज़ा नहीं आता। ठीक है, हमारे चिक्स जो घूम रहे हैं। तो दोस्तों हसन भाई देखेंगे अभी काम में मसरूफ़ हैं, ये पट्टियाँ लगा रहे हैं खुड्डों के ऊपर। ये हमने जो बनी बनाई थी ना मिट्टी की, तो उसके ऊपर अभी चूना करके ना पट्टियाँ बना रहे हैं ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाए। ये लें, ऊंची जगह पे पौड़ी लगा ली है सीढ़ी। ठीक है यहाँ पे, हाँ ज़बरदस्त। ये है जी ब्लू कलर। हसन भाई अभी देखें कि अपने चैनल का नाम लिख रहे हैं हम और गांव, आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। हम और गांव मतलब कि हम और ये हमारा गांव, ठीक है ना। लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन कर लें ताकि आप हमारी हर वीडियो देख सकें भाई। जी जी, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है आज। नहीं, मुझको नहीं जाता। ये सारा काम आपने किया है, आपने मुझे इस पर लगाया था, आपने कहा कि रंग करना ही करना है, हर हाल में करना है, तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कर भी लिया है। खत्म हो गया कौन सा? हाँ चूना ख़त्म हो गया। बाकी मेरा प्लान था कि थक चुके हैं घर चलते हैं, लेकिन भाई कह रहे हैं कि रंग ख़राब हो जाना है, लेकिन करके जाओ, जो अभी का काम है वो शाम पर नहीं छोड़ते। ऐसी है ना? यस एब्सोल्युटली। तो दोस्तों दोपहर भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना काम भी ख़त्म कर लिया है। सारा दिन आज हमने ये रंग ही किया है। ये ऊपर सबसे हमने लगाया नीला कलर, जो नीला कलर है ना इसकी अपनी लुक है। अभी जी ये बकरियों को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि ये खुद ब खुद अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, तो इसलिए इनको पकड़ के रखना पड़ता है। ये देखें, इसको ना पकड़ के दूध पिलाते हैं। इसके काम चेक करें साथ के। ये कह रहा है कि ये चूजे को भी दूध पिला दें। हाँ क्या करना है इसका? चूजे का दूध, बकरी का दूध पिलाना है। अभी दोस्तों मैं लेने जा रहा हूँ पानी, क्योंकि अभी पानी मैं नहीं लेके आया, नलके से ताज़ा पानी भरते हैं इधर से। इधर बाल्टी नहीं पड़ी, बाल्टी अंदर पड़ी होगी। तो जी पानी मैंने भर लिया है। इतना हल्के हल्के बादल आ रहे हैं और कलर भी आज हमने ताज़ा ताज़ा किया है, अल्लाह खैर ही करे। हसन भाई जी पानी, थैंक यू। आना है? नहीं आना? चलें भाई ठीक है। चूज़ों को हमने ये डाल दिए हैं, भूज का छिलका खा रहे हैं आराम से। हाँ जी, ना डराइए। हाँ जी, अच्छा चलो भाइयों। ने दाने कितने आ? केड़े दाने? जेड़े आप कल चूजन पैसे वो उधर पड़े हैं उस कैच के अंदर। हाँ पी लिया है दूध? माशाल्लाह अभी इन्होंने दूध पी लिया है। तो जी दोस्तों रंग वगैरह करने के बाद जो हमारे फार्म के लुक निकली है कुछ इस तरह के निकली है, देख सकते हैं आप। खड्डों के ऊपर हमने पट्टियाँ वगैरह लगा दी हैं खूबसूरती के लिए, बाकी इस दीवार के ऊपर कर दिया है, बाकी सिर्फ वो एक दीवार रह गई सामने वाली, वो मिट्टी लगाने के बाद फिर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सफाई वगैरह आज कर दिया है मैंने। अभी हमने अपना काम कर लिया जी कंप्लीट। तो सामने आप देख सकते हैं हुसैन भाई जो है ना अभी ट्यूब वेल पर नहाने लगे हैं। नहाए आप? मैं नहा रहा। देख सकते हैं सामने ट्रैक्टर चल रहा है ना, तो मिट्टी देखें आप खेतों से कितनी ज़्यादा उड़ रही है पीछे से। वाह जी बंदा तो मज़े कर रहा, मेरा भी दिल कर रहा, मैं भी ना ऐसे ही आ जाऊँ, मैं भी नहा लूँ मैं आता हूँ। तो मैं ट्यूबवेल से नहा के बाहर निकला हूँ, अभी देख लें हसन भाई नहा रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, नहाने का बड़ा दिल करता है और साथ में ट्यूबवेल चल रहा हो तो नहाए ना ये हो ही सकता। तो देखें अभी चिल हो रहा है, चिल। आगे आगे आगे। आप पीछे बड़े हुए हैं।
सफाई हो रही है जी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ना काफ़ी पत्ते वगैरह गिरते हैं, तो इसलिए हमने ये काम वगैरह भी किया था, इसलिए सफाई नहीं की थी, तो अभी कर रहे हैं ना। ये ताले उठा ले। हाँ तो जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग बहुत इंजॉयफुल लगा होगा, बड़ा इंजॉय किया होगा अपने व्लॉग को, और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। मैं कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।